नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रोफेशनल स्किल्स पर। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ अपनी नई YouTube वीडियो जिसका शीर्षक है, टॉपिक है मेसन एंड टूल। ये जो मेसन होता है कंस्ट्रक्शन वर्क में, एक जो मिस्त्री बोलते हैं इसको, राजमिस्त्री बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, उसके जो औजार होते हैं उसके बारे में आज आपको बताएंगे। आशा करता हूँ आपको मेरा जो आज का टॉपिक है पसंद आएगा। आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और जो मेरा यूट्यूब चैनल है प्रोफेशनल स्किल्स उसको सब्सक्राइब करेंगे और जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें ताकि जो मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आपका अपना नया टॉपिक है जो मेसन हैंड टूल। मेसन क्या होता है? जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उसमें जो मिस्त्री होता है राजमिस्त्री, वो जो काम करता है और जो जो औजारों का यूज करता है उन वो होते हैं उसके टूल्स। कौन कौन से अलग अलग वेरियस टाइप्स के ये टूल है जो एक मिस्त्री है कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज करता है ताकि जो उसका कार्य है सुचारू रूप से चलता रहे। सबसे पहले जो औजार है वो होता है एल स्क्वेयर। एल स्क्वेयर क्या होता है? एक 90 डिग्री एंगल पे एक पत्ती जुड़ी होती है जो 90 डिग्री एंगल चेक करने के काम आती है। एल शेप में होती है, इसीलिए इसको एल स्क्वेयर बोलते हैं। लेटर एल है, इस तरह की ये होती है और 90 डिग्री का जो एंगल है, कोई भी कॉर्नर है जैसे बिल्डिंग का कोई कॉर्नर है ऐसे, इस तरह से ये जो चारों कॉर्नर है इनका इंक्लाइनेशन है, जो एंगल है वो चेक करने के लिए ये एल स्क्वेयर है जो काम आता है। नेक्स्ट जो टूल्स है वो होता है स्टील टेप। स्टील टेप क्या होता है? एक इंची टेप होता है, फित्ता होता है, लेंथ मापने के काम आता है। 100 फीट तक की लंबाई की जो लेंथ है ये आसानी से माप सकता है। तो जो एक मिस्त्री है उसको बार बार आवश्यकता पड़ती है, उसको डिवाइड करना पड़ता है स्पेस को, चाहे रूम के हिसाब से हो। प्लम्बर है उसको लेंथ मापनी पड़ती है, पेंटर है उसको भी एरिया निकालना पड़ता है, इसीलिए स्टील टेप की रिक्वायरमेंट होती है स्टील टेप की। मेसन है जो फाउंडेशन की गहराई मापने के लिए, कमरे की लंबाई मापने के लिए, छत की ऊंचाई मापने के लिए, अलग अलग तरह की जो लेंथ है उनको मापने के लिए स्टील टेप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सीक्रेट लेवल। लेवल क्या काम आता है? जो ग्राउंड लेवल हो गया, फ्लोर का स्लोप, फ्लोर का स्लोप हो गया, और क्या नाम है, चौखट होगी, खिड़कियां होगी, उनका जो लेवल है उनको स्प्रिट लेवल के द्वारा आसानी से माप सकते हैं। जो रद्दों की लेवलिंग है, रद्दे बोलते हैं जो ईंटों के अलग अलग तरह से रद्दे होते हैं, उनकी लेवलिंग मापने के लिए भी स्प्रिट लेवल का प्रयोग किया जाता है। कई बार क्या होता है, जब काम करते हैं तो लेवल ऊंचा नीचा हो जाता है, उसको चेक करने के लिए स्प्रिट लेवल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जो प्लम्बोब होता है। प्लम्बोब को जो मिस्त्रियों की लैंग्वेज है, देसी भाषा, उसमें सोल भी बोलते हैं। सोल क्या काम आता है? जो सीधा ये होती है वर्टिकल, जो इसकी सीधा ये होती है उसको मापने के लिए प्लम्बोब का कार्य है। प्लम्बोब में एक स्ट्रिंग लगा होता है धागा और एक नीचे सोल होता है, लट्टू की तरह से इसकी आकृति होती है, तो ये प्लम्बोब का काम है। नेक्स्ट है जो ट्रोवल। ट्रोवल होती है करनी। करनी का काम है मिक्स अप के लिए, मसाला बनाने के लिए, प्लस्तर करने के लिए ट्रोवल का यूज किया जाता है। और ट्रोवल से प्लस्तर भी कर सकते हैं, लोहे की आयरन की पत्ती की ये बनी होती है, तो ये थी ट्रोवल। नेक्स्ट है स्पाल हैमर। स्पाल हैमर जो का काम है, जो स्पाल हैमर होता है पत्थरों की गढ़ाई करने के लिए ये काम में आता है। जो पत्थर होते हैं उसको शेप प्रोवाइड के लिए, शेप में लाने के लिए, रफ जो ड्रेसिंग होती है उसकी वो करने के लिए स्पॉल हैमर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आगे अपनी चीजल। चीजल जो छेनी होती है, छेनी को टेक्निकल लैंग्वेज में चीजल बोलते हैं। कोई भी तरह का जो मटेरियल है उसकी थिकनेस को कम करने के लिए चीजल का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग तरह की अलग अलग शेप के हिसाब से छेनियाँ चीजल हैं जो मार्केट में अवेलेबल होती है। दूसरा है जो हैंडसा। हैंडसा क्या होती है? एक तरह से आरी होती है, जो सॉफ्ट तरह के स्टोन होते हैं उनको काटने के लिए हैंडसा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कॉटन एंड स्ट्रिंग।
कॉटन स्ट्रिंग सूत का धागा होता है जो रद्दों की सीधाई होती है उसको चेक करने के लिए कॉटन स्ट्रिंग का प्रयोग किया जाता है। मैलेट होता है लकड़ी का हथौड़ा, जो लकड़ी के हैंडल होते हैं उनको चोट मारने के लिए मैलेट हैमर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है फावड़ा, मिक्सिंग के लिए, खुदाई के लिए फावड़ा जो प्रयोग लाया जाता है। और क्या नाम है, नेक्स्ट है ट्रे। ट्रे क्या होती है, पसले होते हैं जो मसाला होता है, मोर्टार होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए ट्रेज का प्रयोग किया जाता है, चाहे उसमें मिट्टी होगी, ईंट होगी, रेता होगा, बजरी होगी, उनको हम एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है वो अपना पिकेक्स कुदाल होता है जो फाउंडेशन की खुदाई करनी है उसके काम आता है। पिकेक्स खुदाई करने के लिए फाउंडेशन की खुदाई है या और अपने जैसे किसी भी टाइप की खुदाई है उसमें पिकेक्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्क्रीन्स होती हैं छलनी बोलते हैं, अलग अलग साइज की छलनियाँ आती हैं जो अलग अलग काम में यूज होती हैं, जैसे क्या नाम है, पाइन सैंड होती है उसको छानने के लिए, बजरी होती है उसको छानने के लिए, अलग अलग से हिसाब से साइज के हिसाब से अलग करने के लिए, सेग्रीगेशन करने के लिए स्क्रीन्स का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे मेन टाइप के मेन जो टूल्स हैं, एक जो राजमिस्त्री है, मैसन है, वो यूज करता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, वो मेनली ये टूल्स का यूज करता है। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होता है वो है मेथड ऑफ मेकिंग होल्स इन फ्लोर। जब भी कोई राजमिस्त्री काम करता है उसे अलग अलग तरह क्या नाम है होल्स करने पड़ते हैं, चाहे वो दीवार में हो, फर्श में हो, तो उनको करने के लिए क्या क्या उसको औजार चाहिए, किस तरह से वो यूज करता है, होल करता है कोई भी दीवार में या फर्श में, किस तरीके से वो होल करेगा और क्या क्या टूल्स यूज करेगा उसके बारे में, यह मेथड ऑफ मेकिंग होल्स इन फ्लोर या वाल। तो इसमें क्या यूज होएगा, मेनली सबसे पहले जो हैमर होता है, हैमर हथौड़े को हैमर बोलते हैं, जो पेंटर क्या नाम है प्लम्बर है, कारपेंटर है, वो मेनली या मैसन है, वन टू टू केजी के हैमर का प्रयोग करता है जो आसानी से उसका काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो चीजल्स होती हैं, चीजल कटाई के काम आती हैं, और जो कमानी की चीजल होती हैं वो फेवरेट हैं, क्या नाम है प्लम्बर की और क्या नाम है मैसन्स की, ज़्यादा यूज करते हैं इनका। और हर जो टूल्स है वो है ड्रिल मशीन। जो ड्रिल मशीन है इसके द्वारा कोई भी सुराख है आसानी से कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, क्विकली कर सकते हैं, टाइम की बचत होती है, फिजिकल लेबर कम लगती है, ये इसके फायदे हैं। जल्दी समय की बचत है, पैसे की बचत है, फिजिकल लेबर की बचत है और जल्दी काम आसानी से हो जाता है हमारा। ड्रिल मशीन पोर्टेबल ड्रिल होती है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से उसको ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है जो वो होती है ड्रिल। ड्रिल क्या होती है, ये इसका एक पार्ट है ड्रिल मशीन का। इसमें अलग अलग तरह के ड्रिल होते हैं मटेरियल के हिसाब से, और ड्रिल मशीन में ये फिट हो जाते हैं और हम आसानी से इसमें सुराख कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो मार्बल कटर है, पत्थरों को काटने के लिए। पहले जनरली क्या होता था, पत्थर को काटने के लिए मार्बल कटर का यूज किया जाता था, लेकिन आजकल क्या है हर काम में कटर का यूज होने लग गया। क्यों, एक तो समय की बचत होती है, पैसे की बचत होती है, तीसरा कम खर्चा होता है और काम अपना जल्दी से हो जाता है। इसलिए जो मार्बल कटर है हर जगह पे जो राजमिस्त्री है या कारपेंटर है, प्लम्बर है, वो कटर का यूज करने लग गए। तो ये थे हमारे आज का टॉपिक बच्चों, कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, और आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। और जो मेरा YouTube चैनल है उसको लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और जो आने वाली वीडियो है उसकी अपडेट्स के लिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जो मेरा आने वाला टॉपिक है बच्चों वो रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिक्स एंड स्कैफोल्डिंग ऑफ प्लास्टरिंग।
का फोल्डिंग एंड प्लास्टरिंग पर आधारित होगा, उसको देखना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और थैंक यू दोस्तों।